त्रेता युग के रामायण काल में हम लोगों ने जिन जटायु की कहानियों को अपने बचपन से सुना था, उन जटायु के एक बार कानपुर शहर में दर्शन हो गए हैं। कानपुर शहर में रविवार को आई ये तस्वीरें शहर में चर्चा का विषय बनी रहीं। लोग ये कहते रहे कि रामायण काल में जिन जटायु की बात सुनी थी, इस बार एक विशाल जटायु रूपी पक्षी के दर्शन हुए हैं। लोगों के बीच इस बात का कौतूहल बना रहा कि अब तक जिन जटायु को सिर्फ रामचरितमानस में या रामायण सीरियल में देखा था, इस बार उनके जैसा एक पक्षी उनके बीच में था। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बेना झाबर इलाके में रविवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। कानपुर के बेना झाबर ईदगाह कब्रिस्तान के पास एक दुर्लभ प्रजाति का हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध लोगों के बीच पहुंचा तो आम लोगों के बीच इसे देखने के लिए कौतूहल की स्थिति बन गई। वन विभाग और पुलिस की टीमों को जैसे ही सूचना मिली, अफसरों के बीच हड़कंप मच गया। बूढ़े गिद्ध को देखने के लिए वन विभाग के अफसर पहुंचे और इसके बाद इसे रेस्क्यू किया गया। ये एक हफ्ते से यहाँ बैठता था, पता नहीं कहाँ से आया था, और जब इसकी तरफ को हम लोग निगाह डाली तो देखते रहे तो ये पकड़ने की कोशिश कर रहे थे मगर पकड़ में नहीं आया। वो किसी तरकीब से आके नीचे गिरा तो हम लोगों ने उसको पकड़ा, इसलिए कि इसके चोट चपेट ना आवे, और इस तरीके से उसको हमने अपने पास रखा करीब ढाई घंटे। रखने के बाद हमको इस बात की खुशी हुई कि लोग बताते थे कि भारतवर्ष में गीदड़ नहीं है, और इस पर कई लोगों ने इनाम भी अखबारों में सुना था हमने, मगर इनाम की कुछ बात नहीं थी। ये था गिद्ध देश से क्यों भागे, कोई मुसीबत या कोई ऐसा मामला तो नहीं आने वाला है। और जब मैंने गिद्ध को देखा तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश के अंदर गीदड़ अभी हैं, मौके पर मौजूद हैं। ये लोगों की गलत सूचनाएं और गलत खबरें हैं, इसलिए जो है हमने उसको पकड़ के साक्षात दिखाया कि ये उसको चोट के बाद आपने क्या करा, किसको दे दिया? पकड़ने के बाद वन विभाग गया, पुलिस आई क्षेत्रीय, बहुत सी मीडिया भाई हमारे आए और जो है गिद्ध को वन विभाग के हवाले कर दिया। लेकिन गिद्ध के विशाल पंखों को देखकर लोग हैरान रह गए। एक विशाल पक्षी जो बूढ़ा हो गया था, इसकी उम्र को लेकर अंदाज लगाए जाने लगे सैकड़ों वर्षों से लेकर। ऐसे ऐसे अनुमान लगे कि गिद्ध की उम्र सैकड़ों वर्ष है, ये जटायु का रूप है, वही जटायु जिसे रामायण कालीन कहानियों में सुना था। वन विभाग ने इस गिद्ध को फिलहाल 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया है। अफसरों के मुताबिक कानपुर में मिला ग्रिफॉन गिद्ध हिमालय और तिब्बत के इलाकों में पाया जाता है। गिद्धों की इस प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। इसके अलावा सरकार इन गिद्धों को संरक्षित